हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं अंतिम द फाइनल टूट के बारे में। अंतिम मूवी को आपको तो पता है, अंतिम मूवी आने वाली है राधे के बाद, अगर कोई मूवी है तो इस साल आने वाली है, तो वो है अंतिम द फाइनल टूट। अंतिम बता दें, केसेस कम हो रही है और थिएटर में आने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही है, और वैसे में मूवी की शूटिंग वगैरह सभी भी स्टार्ट हो चुकी है, थिएटर भी खुल जाएगी बहुत जल्दी, तो इसमें इसको थिएटर पे ही रिलीज करेंगे। लेकिन अब बता दें, इसमें प्रज्ञा जायसवाल, सलमान खान सर है, और इसमें सलमान खान के जीजा आयुष शर्मा है, ये तीनों के साथ ये मूवी को रिलीज किया जाए। और ये बता दें, इसमें जहाँ गैंगस्टर का रोल प्ले कर रहे हैं आयुष शर्मा, वहीं सिख पुलिस वाले ऑफिसर का रोल प्ले कर रहे हैं सलमान खान। लेकिन बता दें, जैसे कि सलमान भाईजान की हर एक मूवी में हमें एक ना एक आइटम सॉन्ग सुनने को मिलता है, जैसे कि लास्ट रिलीज राधे या मोस्ट वांटेड भाई में भी हमें जैकलिन फर्नांडिस का आइटम सॉन्ग सुनने को मिला था, उसी तरीके से इसमें भी एक आइटम सॉन्ग होगा। जैसे कि अभी तक सोशल के वाले जो अपडेट आई है, और बता दें दोस्तों, सलमान खान की जितनी भी आइटम सॉन्ग हैं उनमें कहीं ना कहीं नए एक्ट्रेस होती है नए अदाकारा होती है, और अभी तक जो रिपोर्ट आई है उसके अनुसार ये दावा किया जा रहा है कि इसमें हमें नूर फतेह सलमान खान के साथ आइटम करते हुए नज़र आते हैं। अगर भाई ऐसा होता है तो भाई मज़ा आ जाएगा, और पूरे मतलब ऑडियंस जो है जो आइटम सॉन्ग के, क्योंकि अगर आइटम सॉन्ग में कोई जचता है तो वो नूर फतेह है, वो कितनी, क्योंकि आइटम सॉन्ग अगर कोई है तो वो नूर फतेह ही कर सकते हैं, और उनकी डांस के दीवाने हो चुके हैं सभी के सभी। तो सलमान भाईजान और नूर फतेह कितना कमाल के डांसर है, आप लोग कितना कमाल की जोड़ी लगेगी आइटम सॉन्ग में, आप कमेंट बताओ। तब तक के लिए बात चाहूँगा, सब्सक्राइब और लाइक कर देना।